दमदार अदाकारी के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों का हिस्सा बनती हैं। बीते साल जब एक्ट्रेस की ललित मोदी के साथ वेकेशन फोटोज वायरल हुई थी तो सुष्मिता सेन के फैंस में सनसनी फैल गई थी। अब जाकर सुष्मिता सेन ने ललित मोदी के साथ अपने रिलेशनशिप और अफेयर पर खुलकर बात की है। सुष्मिता सेन ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में इस बात को लेकर चर्चा की, जहां सुष्मिता सेन ने ललित मोदी पर बात करते हुए कहा कि मैंने इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक पोस्ट डाली थी, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि जब लोग चुप रहते हैं तो उनकी चुप्पी को कमजोरी या फिर डर समझ लिया जाता है। मुझे एक पोस्ट डालने की जरूरत थी जिससे उन्हें पता चल सके कि मैं हंस रही हूँ, उसके बाद मेरा काम हो गया। जिसका मतलब है कि जब ललित मोदी के नाम के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरें जोर शोर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तब उन्होंने लोगों को जवाब देने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट का सहारा लिया था, जिसके साथ सब कुछ शांत हो गया। इसके अलावा सुष्मिता ने गोल्ड डिगर के टैग पर बात करते हुए कहा, मीम्स बहुत मस्त आ रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन अगर आप गोल्ड डिगर बुलाते हैं तो उसे मोनेटाइज मत करो कम से कम। सुष्मिता सेन ने अपने इंटरव्यू में कहा, वो एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग फेज और चीजें हो गई। अगर मैं किसी के साथ शादी करने जा रही थी तो मेरी शादी उनसे हो चुकी होती। मैं कोशिश नहीं करती, मैं या तो करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ। बता दें कि ललित मोदी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसकी वजह से सुष्मिता सेन के साथ उनकी खबरें आई तो उस वक्त लोगों ने सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर का टैग दे दिया था और ऐसी बातें कही जा रही थी कि वो उनके साथ पैसों की वजह से हैं। इसी पर कई सारे मीम्स भी बनाए जा रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इन अफवाहों के बीच हवा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि ललित मोदी की तरफ से सुष्मिता सेन को लेकर पोस्ट किया गया था, जिसने लोगों को बातें बनाने का मौका दे दिया। लेकिन फिलहाल सुष्मिता सेन बीते कुछ समय से अक्सर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉ के साथ नजर आ रही हैं। हालांकि ना तो एक्ट्रेस और ना ही रोमन ने इस रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। सुष्मिता सेन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की हाल ही में एक्शन ड्रामा थ्रिलर सीरीज आर्या का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ है। आर्या 3 से पहले सुष्मिता सेन तारीफ फिल्म में दमदार किरदार निभाते नजर आई थी। अभी के फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तो आम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।